अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से बढ़ते परेशानियों के बीच आज यूपी के बागपत जिले में बड़ौत के डाकघर से माइक्रो ATM का शुभारंभ किया गया। इसके साथ वहां के पोस्टमैन को सैनिटाइजर व दो दो मास्क देकर जिलाधिकारी ने क्षेत्र के लिए रवाना किया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान रोजाना बैंकों में बढ़ते भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। साथ ही बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ब्रांच मैनेजर पवन प्रताप सिंह के साथ आज बैठक भी हुई, जिसमें आमजनों की परेशानियों को कैसे कम की जाए उनकी तरफ से इस पर बात की गई। जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने बताया कि जब से लॉकडाउन लगाया गया है तभी से आम जनमानस की सुविधा के लिए गांव-गांव में बैंक मित्र व डाकिया के माध्यम से खाता धारक अपने पैसे निकाल सकते हैं। गांव के लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और वह लॉकडाउन की सख्ती से पालन करे, इसके लिए जिला प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे तक जरूरतमंद सुविधा देने के लिए तैयार है। इसी के साथ जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपील की कि वह अपने घरों में ही रहे, घर से बाहर ना निकले और लॉकडाउन का अनुपालन करे। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं बागपत के जिलाधिकारी शकुंतला गौतम, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र प्रताप यादव। ग्रामीण क्षेत्र में आप सभी जान रहे हैं कि जो भरण पोषण धनराशि सरकार की ओर से 1000 दी जा रही है, इसके अतिरिक्त महिलाओं को जो है वो भी 500 रुपये धनराशि उनके खाते में आ गई है और बैंकों में इस समय सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए बैंकों में महिलाओं की भी और जो धनराशि निकालने अपने आ रहे हैं उनकी भीड़ लग रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कि जो भी आम जन है, जो जनता है, उसको परेशान ना हो और वहीं पर उनको अपने गांव में ही या जहां पर अपने शहर में क्षेत्र में है उनको वहां पर धनराशि निकालने का बैंक से या ATM से धनराशि निकालने की सुविधा दी जा सके, इसके लिए बैंक मित्र जनपद बागपत्र में 137 काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे डाकिया हैं 143 जो हैं वो हमारे माइक्रो ATM के रूप में काम कर रहे हैं। इनको आज जो है दो दो मास्क कपड़े के और 100-100 ग्राम सैनिटाइजर, इनको सैनिटाइजर और मास्क दो दो देकर इन्हें यहाँ से आज रवाना किया गया है। देखिए, आपको संज्ञान में होगा कि सिक्का गांव से जो मस्जिद थी हमारी, वहाँ पर जो जमाती रुके हुए थे, बिहार की जमाती, उसमें से दो लोगों का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। तो जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार वहाँ पर रुकने के बाद काफी लोगों के संपर्क में आए थे। लोग जो भी मिलने के लिए आते थे वहाँ मस्जिद में मिलने के लिए लोग आते थे, उनसे मिलते थे। तो पहले तो हम लोगों ने बात किया जो जमात के लोग थे उनसे, क्योंकि वो बिहार के रहने वाले थे और पहली बार यहाँ आए थे, तो उन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी कि जो आने वाले लोग थे वो कौन थे या उनके नाम पते क्या थे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने वहां पर उनके पोस्टर भी चिपकाए और साथ में इसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित किया कि जो भी व्यक्ति इन लोगों के संपर्क में आए वो कृपया स्वतः आकर के जानकारी दें, जिससे कि उनकी भी सैंपलिंग करवा सके हम लोग समय रहते और उनकी स्क्रीनिंग करवा करके ये पता कर सके कि उनमें किसी तरीके कोई संक्रमण तो नहीं है। यदि संक्रमण है तो उनको उपचार के लिए हम लोग समय से मेडिकल कॉलेजों में भर्ती करवा सके या उनका उपचार शुरू करवा सके। इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है, काफी लोग आए हैं, कुछ लोगों ने बताया भी है और कुछ लोगों को हम लोगों ने ट्रेस भी किया है, उसमें से तमाम लोगों की सैंपलिंग भी करवाया हम लोगों ने, बाकी लोगों को हम लोगों ने घरों में क्वारंटाइन किया हुआ। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।